हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पर मैं घर से निकल चुकी हूँ। सुबह तकरीबन 6:30 बजे के समय ये 19 अगस्त का शूट है, जो पूरी रात बारिश हुई थी। एटलीस्ट जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ तो पूरी रात बारिश हुई थी और मेरे घर से निकलने के कुछ देर पहले ही रुकी थी। अदरवाइज़ मुझे तो लगा था कि बाबा आज का शो तो गया। खैर, सुबह वेदर बहुत सुंदर था तो मैंने सोचा शूट किया जाए और अपलोड किया जाए, लेकिन ये लड़की थोड़ी आलसी है, कांट हेल्प इट। अच्छा, अब आप सोचेंगे क्यों शूट किया जाए, ऐसा क्या है वहाँ पर शूट करने वाला। तो मैं बता दूँ, मेरे यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है और साउथ दिल्ली इज़ अ ट्रीट टू वॉच, सो आई थॉट थोड़ा शूट किया जाए बेबी। नहीं, ये वाला नहीं, ये क्राइम है। वेल, एक्चुअली मैंने सोचा कि व्लॉग बनाया जाए और इसमें मैं आपको नज़र आने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं ही शूट कर रही हूँ। सो फ्लाईओवर के टर्न पे जो आपने जगह देखी वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो वीडियो मुझे कट करना पड़ा बीच में। और ये जो खूबसूरत सी जगह आप देख रहे हैं ये डियर पार्क है। और ये पता नहीं किसकी गाड़ी है। अच्छा, डियर पार्क के बाद अब आप जो जगह देख रहे हैं ये काफ़ी वेल नोन प्लेस है। इट्स DLTA, दैट इज़ दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन, RK Khanna टेनिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल टेनिस मैचेस होते हैं। मेरे बचपन का सपना था यहाँ पर एडमिशन लेना, पता है आपको। हाय, सपना ही रह गया, छन से जो टूटे कोई सपना। अच्छा, जब तक लाइफ में कोई सपना अधूरा ना रह जाए ना, लाइफ इनकम्प्लीट है यार। ये बात यही तो बताना था मुझे आपको। अच्छा, रास्ते में कई साइकिलिस्ट ना मेरे साथ जुड़ते जाते हैं और नेहरू पार्क से थोड़े ज़्यादा साइकिलिस्ट जुड़ जाते हैं मेरे साथ। और ये जो पार्क है ना, नेहरू पार्क, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर लोग गाड़ी में आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और अंदर पैदल चलते हैं। साउंड सो फनी नो, या आई नो। नहीं समझ में आया ना आपको मेरा जोक? पता है मुझे, पता है मुझे नहीं चाहिए दूसरा बंदा मेरे जोक्स पर हंसने के लिए। मैं मस्त हूँ भाई, मैं खुद ही जोक्स मारती हूँ और खुद ही हंस लेती हूँ। अब दूसरों को क्या तकलीफ़ देना इतने से काम के लिए। अच्छा, नेहरू पार्क के बाद अब डायरेक्ट जंप करते हैं इस ब्यूटी पर। इस जगह को जब भी देखो ना दिल खुश हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी साइकिलिस्ट, जॉगर्स, रनर्स मुझे रास्ते में मिलते हैं ना, उन सब का डेस्टिनेशन यही जगह है। इसलिए भी मुझे ये जगह पसंद है। सुबह सुबह जब मैं आती हूँ ना तो कोई ग्रुप योग कर रहा होता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, कोई स्केट्स चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है और 50 अन्य लोग सेल्फीज ले रहे होते हैं। एंड सी, लोग कितने फिटनेस फ्रीक हैं। इसके बावजूद देश में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों। और ये हमारी पार्लियामेंट है, आप इसे एंजॉय करें, आप इसे भी एंजॉय करें। और जाते जाते एक बार फिर से मैं बोलूँगी आप सभी को कि आप मेरा चैनल यानी सिंगल अम्ब्रेला को सब्सक्राइब करें। मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त। चल मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।